नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सोरेसिस के बारे में कि आखिर में सोरेसिस होता क्या है, हमें इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, क्या कारण होते हैं, किन कारणों की वजह से हमें सोरेसिस होता है और हमें इसका क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए, किस ट्रीटमेंट से हम बिल्कुल इससे ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सोरेसिस होता क्या है। दोस्तों, सोरेसिस काफ़ी टफ डिसीज़ है, यह क्योर करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसमें आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, सोरेसिस एक तरह की ऑटो इम्यूनो डिसीज़ है, जिसमें हमारे जो सेल्स है वो हमारे सेल्स को अटैक करने लग जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी अंदर ही अंदर हमें नुकसान पहुँचाती है, जिसकी वजह से हमें रेड रेशेस और वहाँ पे स्केलिंग देखने को मिलती है। नॉर्मली जो दोस्तों, जो हमारी स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है उनकी जो उम्र लाइफ साइकिल होती है वह 1 मंथ की होती है, मतलब अंदर ग्रो होती है, उसका विकास होता है और ऊपर सरफेस तक आती है, फिर वहाँ गिर जाती है। तो नॉर्मल इस तरह हमारी स्किन के सेल्स काम करते हैं, 1 महीने इसकी अप्रोक्सीमेटली लाइफ साइकिल होती है। लेकिन जो सोरेसिस होता है उसमें होता क्या है कि लाइफ साइकिल काफ़ी रेपिडली बढ़ जाती है, मतलब 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। मतलब अब हम बात करें तो सिर्फ 4 से 5 दिन में जो सेल्स जो 1 महीने तक बढ़ते हैं, वह सिर्फ 4 से 5 दिन में इसका प्रोडक्शन हो जाता है, वह 4 से 5 दिन में बनने लग जाते हैं और ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से वह बिल्कुल इमेच्योर रहती है और वह गिर नहीं पाती है। तो वह सेल्स में दोस्तों होता क्या है कि उसकी वजह से वहाँ पर एक्सप्लोशन देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पर भूसी टाइप आता है, भूसी निकलती है, रूसी टाइप की होती है, उसमें रेड रेड रेशेज देखने को मिलते हैं, स्केलिंग होती है। तो यहाँ समस्या देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर सेल्स जो है जल्दी जल्दी बन रहे हैं, तो इस वजह से दोस्तों सोरेसिस हमें देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि सोरेसिस में आखिर में हमें क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सोरेसिस में देखने को मिलता है कि जिस तरह आप देख सकते हैं, इसे रेड रेड रेशेज हो जाते हैं, पेशेंट को रेड रेड रेशेस होते हैं, इनमें काफ़ी इचिंग होती है, खुजली होती है, जलन महसूस होती है। यहाँ पर दोस्तों अगर स्केलिंग करते हैं, वहाँ पर निकल थोड़ा सा खुजाते हैं तो वहाँ पर ब्लड भी देखने को मिलता है, वहाँ रूसी टाइप की उनमें निकलती है, ऊपर जो होता है ऊपर देखने को मिलता है, उनको एक सिल्वर कलर की पपड़ी होती है, अगर उसको निकालते हैं तो लाल लाल रेशेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरह सोरेसिस होता है। दोस्तों, नॉर्मली हम देखें तो सोरेसिस सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वहाँ होता है स्कल्प पर। स्कैल्प के बाद दोस्तों यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जिसे हमारे दोनों जो एल्बो है, कोनी है, यहाँ कोनी पर भी यहाँ हो देखने को मिलता है, साथ ही जो कान के साइड में, कान पर यहाँ दोनों साइड देखने को मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों जो हमारे ये घुटने हैं, घुटनों पर यहाँ देखने को मिलता है सोरेसिस। इसके साथ ही नीचे जो फुट होता है, हमारे जो पैर होते हैं, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो ये मोस्ट कॉमन जगह है जहाँ पर सोरेसिस होता है। वैसे तो ओवरऑल बॉडी में कहीं पर भी हो दोस्तों, आपको चेस्ट वेस्ट पर कहीं पर भी आपको हो सकता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन जगह है जहाँ पर सोरेसिस होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ सोरेसिस क्या किसी तरह स्प्रेड होता है, तो बिल्कुल दोस्तों ऐसा नहीं है, या किसी से नहीं फैलता है। ज़्यादातर लोगों में मिथ होती है कि यह छूने से फैलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोरेसिस इस तरह छूने से नहीं फैलता है, कोई इससे दिक्कत नहीं है। जिस तरह रिंगों में या स्केबिस में होता है कि वह छूने से फैल जाते हैं, तो ऐसा सोरेसिस में नहीं है। जिसको पेशेंट को सोरेसिस है, आप उसे छू सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि क्या कारण होते हैं, आखिर में क्यों सोरेसिस होता है। सबसे मेन रीज़न दोस्तों देखने को मिलता है वहाँ होता है ऑटो इम्यून कोज, मतलब जिस तरह मैंने बताया कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है, हमारी जो अंदर की क्षमता होती है, उसको अंदर ही सेल्स उससे अटैक करने लग जाते हैं, हमारे सेल्स को अंदर ही हमारे सेल्स जो होते हैं वो अटैक करते हैं, हमारी कोशिकाओं को दोस्तों अटैक करके नुकसान पहुँचाते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें सोरेसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ एक मेन कोज हो गया। इसके बाद दोस्तों जो देखने को मिलता है वो सेकंड चीज़ होती है कि जेनेटिक्स, मतलब अनुवांशिक देखने को मिलते हैं, कि जो पेरेंट्स को जिनको है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, तो उनको भी यहाँ सोरेसिस ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों इसके बाद कुछ कारण की अगर बात करें तो वहाँ देखने को मिलता है कि कोई अगर किसी को वहाँ पर चोट लग गई है, किसी को मान लो कोनी पर या कहीं पर चोट लग गई है, इंजुरी हो गई है, तो वहाँ पर भी देखने को मिलता है कि वहाँ पर कभी कभी सोरेसिस हो जाता है। तो यहाँ भी एक रीज़न है। इसके साथ ही कहीं पर आपको इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन की वजह से भी सोरेसिस हो सकता है, या आप ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा ओबेसिटी, ज़्यादा मोटे हैं, तो इससे थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है, या आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, तो इससे थोड़ी सी अग्रवेट होता है, आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये मेनली कुछ रीज़न हो गए हैं। इसके साथ ही अगर ज़्यादा आप मेडिकेशन जो होती है, मतलब दवाई, अगर मेडिकेशन आप ज़्यादा ले रहे हैं, कोई सी मेडिसिन से आपकी ज़्यादा लंबे समय से चल रही है, तो उनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी आपको सोरेसिस हो सकता है। तो ये जनरली कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सोरेसिस देखने को मिलता है। अब हम आखिर में ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि मेन ट्रीटमेंट इसका क्या है, क्या ट्रीटमेंट हमें लेना चाहिए। दोस्तों, होम्योपैथी में
बहुत अच्छी अच्छी दवा आती है जो सिम्टम्स के हिसाब से डिपेंड करती है, लेकिन मैं आपको कुछ थेरापेटिक दवा बता देता हूँ जो आप यकीनन आप लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अगर आपको सोरेसिस की समस्या है तो आप लीजिए ग्राफाइटिस 30 पोटेंसी में, 3 बूंद दीवान पर डालिए सुबह दोपहर शाम, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है दोस्तों। ग्राफाइटिस 30 आपको रेगुलर लेना है, इसके साथ ही आपको लेना है बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर जो स्किन के लिए काफ़ी इफेक्टिव है, इसके 4-4 गोली जीवान पर डालिए, दिन में 3 से 4 बार आप खाइए, यहाँ भी बहुत इफेक्टिव है। इसके साथ ही आपको लेना है सोरियाफिट ड्रॉप, दोस्तों सोरियाफिट ड्रॉप मेडिसिन कंपनी का आता है, इसकी 5 से 10 बूंद 1 चम्मच पानी में आप डालिए और लीजिए 2 से 3 बार दिन में, 2 से 3 बार रेगुलर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है सल्फर 200, सिर्फ सल्फर 200 को वीकली ले, मतलब हफ्ते में सिर्फ एक बार ले और सिर्फ 2 से 3 महीने ले, मतलब 8 से 10 डोज इसके सिर्फ आपको लेना है, उसके बाद इसको बिल्कुल बंद कर दे। तो ये जो मेडिसिन आपको बताई है मैंने, सल्फर 200 जिस दिन आप ले तो उस दिन अदर मेडिसिन ना ले, मतलब हर संडे आप सल्फर ले रहे हैं तो सल्फर जिस दिन आप ले तो 5 से 6 बूंद जीवाणु पर डाल लीजिए, उस दिन आप कोई अदर मेडिसिन ना ले, उसके अगले दिन से आप स्टार्ट करें। तो यहाँ इस तरह आप यह चारों मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, यकीनन आप यह यूज़ करेंगे दोस्तों तो आपको इस सोरेसिस से गारंटीड काफ़ी आपको रिलीफ मिलेगा और धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों। 6 महीने, साल भर, इवन 2 ईयर्स भी आपको लग सकते हैं, लेकिन आप जिस तरह यूज़ करेंगे तो आपको 1-2 महीने में काफ़ी रिलीफ मिलने लगेगा, आपकी जो इचिंग है, बर्निंग है, जलन है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपकी जो रेशेस है, जो आपको पपड़ी हो रही है, जो लाल रेशेस हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो आपको उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।